नमस्कार, इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन के बाहर से। यहाँ कुछ बच्चों को पकड़ कर लाया है। कुछ दिनों से, कुछ महीनों से असली बस्ती में चोरी होने का कंप्लेन आ रहा था। कहीं आंगनवाड़ी तोड़फोड़ करके अंदर का सामान चोर करते हैं, तो कहीं स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा था। तो लकीली आज जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी के घर में इन बच्चों ने तोड़फोड़ करते हुए कुछ सामान चुरा रहे थे। उस वक्त घर का मालिक जो है रेड हैंडेड पकड़ते हैं। इन लोगों को यहाँ पुलिस स्टेशन में लाया गया है। आइए देखिए आगे क्या होता है। असली यूथ एसोसिएशन भी मौके पे शामिल है, तो उनसे हम बात करेंगे और घर का जो मालिक है उनसे भी हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो सुनने में आया जो अभी लगभग 15 चोर जो यहाँ पुलिस स्टेशन में पकड़ के रखा गया है, तो वो लोग ने जो आपका घर में आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया, चोर कर रहा था, उसी वक्त रेड हैंडेड आपने आपका कोई फैमिली मेंबर्स ने पकड़ा है, तो आप बता दीजिए कि क्या क्या सामान तोड़फोड़ हुआ, क्या हालत है अभी आपका घर का? हालत तो ऐसे है, हम तो बाहर था, तो मिसेस जो अभी नया घर से पुराना घर में कुछ सामान लेने गया था, तो चोर लोग अंदर घुसा हुआ था, तो गाड़ी का आवाज़ सुनते ही वो बड़ा बड़ा सब भाग गया। एक तो 5-6 साल का बच्चा था, उसको पकड़ा है। उसके बाद में पूछताछ करते 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 हमारा घर में तो बहुत चोरी हुआ है, बहुत बार हुआ है, मैंने अभी महीना दिन का अंदर में 5-6 बार हुआ है। उसके बाद में आज देखा है तो वो छोटा बच्चा एक पकड़ने का कारण एक करते 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 आपका 12-13 निकल गया। अच्छा। 12 भी है, छोटा भी है, सब मिला है। मैंने मेरा तो घर हालत नहीं है अभी, छोटा पूरा तोड़ फोड़ करके आगे से पीछे से पूरा रूम सूम पूरा तोड़ तार करके ऐसा करके रख दिया। तो अभी आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी ऊपर से वो अंडर एज भी है ना, पुलिस तो जस्ट अंडरटेकिंग लेके छोड़ देगा, लेकिन आपका प्रॉपर्टी तो लॉस हुआ है, तो आप कुछ ऐसे पेनल्टी आपका तरफ से कुछ है डिमांड है क्या? वो तो अभी जिसका बच्चा है उसका गार्जियन से बात करना पड़ेगा। अभी वो इतना छोटा बच्चा को हम फाइन इम्पोज भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो लोग क्या बिहार कर सकता है, वो गार्जियन लोग से बात करेगा। ओके। तो अभी मैंने घर का जो मालिक है उनसे बात किया है। अभी जो जिसने रेड हैंडेड पकड़ा था अपना घर में चोरी होते हुए, वो मालकिन यहाँ है, तो उनसे हम बात करेंगे। मैम, उस समय मतलब आप कैसे उन लोगों को पकड़ा, मतलब आप तो नया घर में शिफ्ट हो गया था, तो पुराना घर में आप क्या करने गए थे और कैसा क्या था वहाँ का सिचुएशन, आप बता दीजिए। मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि घर में चोरी जो है, जब से हम लोग नया घर में शिफ्टिंग किया है उसका हफ्ता दिन से शुरू हो गया, और जांगर था उसमें बहुत सारा सामान था, वहाँ तो ख़त्म ही हो गया था ऑलमोस्ट ना, कुछ बचा नहीं था। तो ये हम सोचा है वो पक्का घर में तो कम से कम नहीं करेगा होगा, अभी पक्का हम खिड़की भी खोल के रख दिए ना, वो खिड़की खोल के देख लेने दो ना, उसका अंदर में कुछ भी नहीं है ना, देख लेने दो। तो ऐसा करने के बावजूद भी देखता है कि 2-3 दिन पहले आया तो ताला में सब पत्थर मारा हुआ था। तो उसके बाद में आज जो आंगनवाड़ी वर्कर जो है वीडियो भेजा है और कॉल किया कि आपका दरवाज़ा भी तोड़ दिया, तो हम सुनते हम आ गया, तो मतलब फटाफट तो नहीं आया, मतलब आधा घंटा जैसा का बाद में हम गाड़ी लेके आए, जो बचा खुचा सामान होगा तो हम ले लेगा। तो हम गाड़ी लेके आते ही ये बच्चा लोग था उसका अंदर में ना, घर का अंदर में। हाँ, घर का अंदर में था। तो घर का आवाज़ सुन के सब भाग गया। 6 साल का एक छोटा बच्चा है, वो था, मैंने भागने नहीं सका जंगल में ना, तो हम उसको वो पूछा है, हम सोचा भी नहीं है मतलब इतना बड़ा गैंग निकलेगा, हम सोचा इमेजिन ही नहीं किया है कि ये छोटा बच्चा, हमने और पूछा है ओ घर में चोरी हो रहा था सब आप कर रहे हैं ना, बोले तो हाँ बोला। तो आपका ये जो कौन कौन है गैंग में, बोले तो भाई ये लोग हैं, क्या क्या चोरी किया, बोले लोहा चोरी किया है, क्या क्या नाम बोल रहा है, कहाँ में चोरी किया, कहाँ में उसको बिक्री किया है पूछा है, तो वहाँ में एक डैम है वहाँ हमने बिक्री किया है ऐसा। तो उस तो हम तो उसको ना छोटा बच्चा की मारपीट भी नहीं कर सकता है, तो हम उसको लेके गया, मतलब कौन कौन भैया है ना दिखाओ ना। तो उसका थ्रो से मतलब एक घर से एक घर करते करते रात का इतना टाइम तक तो 12-13 अभी 11 बज गया। हाँ, 11 बच्चा निकल गया अभी। तो अभी हम लोग तो पेरेंट्स का थ्रो कुछ मारा है पीटा है कुछ एलिगेशन भी हो सकता है, सो हम लोग ने क्या किया है, चलो पुलिस स्टेशन में वेरीफाई कर लेगा ना। तो हम लोग असली का पब्लिक और ये यूथ एसोसिएशन ना, असली यूथ एसोसिएशन, हाँ, उसका थ्रो से उस
उसका थ्रू से हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में आया हुआ है। बच्चा लोग पूछताछ चल रहा है अभी ना। तो असली का जो यूथ एसोसिएशन है उसका थ्रू से हमें बहुत बहुत मदद मिला है, थैंक यू इसके लिए। आज आप लोग का जो एसोसिएशन है असली यूथ एसोसिएशन के द्वारा हमें कुछ चोरों को पकड़ा है आप लोग ने ना, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए ना, क्या सिचुएशन है, कितने लोगों को आप लोगों ने पकड़ने में मदद किया पुलिस को, उसके बाद सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और आप क्या पोस्ट होल्ड करते हैं। मेरा नाम है आहो मेमे और हम असली यूथ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है। तो हम लोग बस्ती में हो गया अभी लगभग एक साल से ये खबर आ रहा था कि स्कूल में तोड़फोड़ हो रहा है, स्कूल में चोरी हो रहा है और बस्ती में भी अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी में बहुत चोर हो रहा है, बल्कि खबर आ रहा था हम लोग का बहुत दिन से। तो असली यूथ एसोसिएशन तो हम लोग ने एक प्लान किया कि हम लोग पहरा देगा स्कूल में, मेन तो स्कूल है हम लोग का, तो स्कूल में पहरा देगा बोल के हम लोग यूथ एसोसिएशन जो रात रात को निकलता है तो देखता भी है। तो आज लकीली एक प्राइवेट पार्टी में आज भी एक चोर हो रहा था, तो उसका एक बच्चा है उसको पकड़ा है, तो अंदर एज है उसका, एज लगभग 10 साल होगा, तो उसको आज पकड़ा है। तो उसी के द्वारा स्टेप और स्टेप उठ उठ के हम लोग ने आज अभी पकड़ा है करीब 15 बच्चों को पकड़ा है, लगभग 15। तो वो लोग भी अंदर एज है? हाँ सब अंदर एज, सब 15 अंदर अंदर एज है, सब 15 है। अच्छा तो अभी अंदर एज है तो ये तो जुवेनाइल केस हो जाता है। हाँ। तो पुलिस का क्या कहना है इसको लेके? पुलिस का कहना है कि उसको अंडर टेकिंग लेके छोड़ दिया, ओके सब बोला है ऐसे बोला है ना। तो अगर अंडर टेकिंग लेके छोड़ता है तो अभी ऐसे उम्र में ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो बाद में जाके आपका बस्ती के लिए एक थ्रेट बनेगा, नहीं लगता? ये तो होगा लेकिन हम वही असल यूथ एसोसिएशन की तरफ से वही उम्मीद, ये असल यूथ एसोसिएशन की तरफ से ये दरख्वास्त करता है कि आप इसका ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। अंदर एज है वो के भी जुबिनल नहीं, यहाँ पर कोर्ट तो नहीं है लेकिन एक उसका ऊपर एक एक्शन तो ले सकते हैं। अंदर एज है वो के भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये हम लोग का सोसाइटी को बाद में जाके ख़राब करेगा। तो वही बोलेगा कि ये हम लोग का सोसाइटी के ठीक नहीं होगा और हम लोग आतिकों का स्लोगन वही है, इंडिया गेवा आतिकों गेवा। तो हम लोग वही मोटो से हम लोग आगे बढ़ रहा है, हम लोग का सोसाइटी में कुछ गलत इम्पेक्ट ना पड़े इन बच्चों की वजह से। तो आप वुमेन मेन प्रेसिडेंट है ना असली यूथ एसोसिएशन का, तो आप भी थोड़ा बता दीजिए कि यहाँ का जो सिचुएशन है कैसा है, और वो जो बच्चा पकड़ा गया 15 ऐसे लगभग 15 बच्चा बोला ना, तो वो लोग क्या असली के रहने वाले हैं? बच्चा लोग तो ऑलमोस्ट मतलब मायू का ही है, मतलब मायू का है और असली का है, उसके बाद दो जो इंतजार का है। अच्छा पहले आप अपना नाम बताइए, आप असली यूथ एसोसिएशन में क्या पोस्ट होल्ड करते हैं और आप असली के रहने वाले और वो नियर बाई एरियाज़ का जो लोग हैं उसको आप क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा नाम आचो मिमी है और हम असली यूथ एसोसिएशन का AGS है। तो आज का जो केस था वो बहुत एक्सप्लेन कर चुका है सबको, मेरा GS सर भी कर चुका है ना। तो हम बस ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग असली यूथ का तरफ से एक हम लोग का एक रिक्वेस्ट है कि जो ये गैंग पकड़ा है हम लोग ना, उसमें से चार लड़का जो थोड़ा बड़ा है, जो ऑलमोस्ट 12 से 14 का बीच में आते हैं वो लोग ना, तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि वो चार, क्योंकि वो चार को कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिया जाना चाहिए ना। और रोइंग में जुविनाइल कोर्ट नहीं है, जुविनाइल का कुछ प्रोसेस नहीं होता है बोला, उसके लिए हम लोग पर्सनली हम लोग रिक्वेस्ट करेगा DC साहब से, SP साहब से ना, कि हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेगा कि कुछ पनिशमेंट देना चाहिए इसको ना, क्योंकि ये पूरा सोसाइटी को ख़राब कर देगा अंदर से भी, और छोटा छोटा बच्चा लोग उन लोगों को देख के अभी एक गैंग बना लिया, तो ये एक स्टार्टिंग है फॉर्मेशन बहुत ख़राबी होने का ना। तो और हम लोग का असली यूथ एसोसिएशन का मोटो भी ये है कि इनिया गेबा आती गेबा, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का खुद का सोसाइटी ख़राब हो, हम लोग का सोसाइटी का पीपल ख़राब हो। थैंक यू।